आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना जो है वो अपने पैर पसारता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर बताई जा रही है, जिसके चलते शासन प्रशासन काफी मशक्कत कर रहा है और लोगों को हिदायत दे रहा है और सचेत कर रहा है कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर्स वगैरह का प्रयोग करें। लेकिन आज अगर हम दिल्ली की बात करें तो हालात ये हैं कि कहीं पे भी अस्पताल में आसानी से बेड नहीं मिल रहा है, लंबी लंबी कतारें हैं, लाइनें हैं, जिसके चलते अगर दिल्ली की बात करें तो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन सैटरडे संडे का जो है वो पूरे दिन कर्फ्यू रहेगा, रात और दिन दो दिन के लिए, जिसके चलते जो पुलिस है वो एक बहुत मुश्तैद है, सड़कों पे पुलिस मौजूद है और जो बिना वजह आते जाते लोग दिख रहे हैं उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप यहाँ पे क्यों जा रहे हैं या क्यों घूम रहे हैं। तो साउथ ईस्ट दिल्ली की हम बात करेंगे, जिसमें कई वीडियोस वायरल हुए हैं, जिसमें से एक वीडियो मैं आपके साथ साझा करूंगा। जब उस व्यक्ति से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं शराब लेने जा रहा हूँ। उससे पूछा क्यों, तो उसने कहा देश की हालत ठीक नहीं है, तो शराब अगर मैं लूंगा तो उससे जो टैक्स आएगा वो सरकार को फायदा देगा, इसलिए मैं शराब लेने जा रहा हूँ। तो देखिए ये वीडियो, उसके बाद हम इस पे चर्चा करते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो आप लॉकडाउन में? सर दारू लेने जा रहा हूँ। दारू लॉकडाउन में? दारू हाँ सर, देश संकट में है सर, देश संकट में है, देश संकट में दारू से ठीक हो जाएगा? देश के वो दारू आरसीसी। क्या उतारोगे? आठ दस दारू खरीदू जब पैसा आएगा देश में। अच्छा, तो देश की स्थिति उतारोगे दारू लेके? जी। रेवेन्यू बढ़ा रहे हो? जी। क्या करना फिर? चलो जाओ घर, जाना दारू वारू लेने मत जाना। ठीक है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि ये जो हैंडीकैप पर्सन है ये जा रहा था, पुलिस ने रोका, पूछा कि क्यों कहां जा रहे हो, पता नहीं है क्या कि कर्फ्यू लगा है? तो सज्जन ने बोला कि हाँ मुझे पता है कर्फ्यू लगा है, मैं शराब लेने जा रहा हूँ। पूछने पर पुलिस वालों द्वारा जब पूछा गया तो उसने कहा कि देश की हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं शराब खरीदने जा रहा हूँ ताकि टैक्स जो होगा उससे रेवेन्यू को मुनाफा होगा, सरकार को मुनाफा होगा, सरकार के पास रेवेन्यू पहुंचेगा, टैक्स पहुंचेगा, जिससे देश की हालत सुधरेगी। तो आप सोचिए कि किस तरह के एक्सक्यूज जो है वो लोग बना रहे हैं, और आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।